हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम सफ़र एक्सप्रेस के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज बात कर रहे हैं पटना बांद्रा हम सफ़र एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, अब ये सहरसा से चलती है, सहरसा से बांद्रा के बीच में। इस ट्रेन का नंबर है 22194। ये ट्यूसडे को सहरसा से बांद्रा तक चलती है, वीकली एक्सप्रेस है। इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 53 किलोमीटर पर आवर, 2060 किलोमीटर का है टोटल डिस्टेंस सहरसा से बांद्रा तक कवर करती है। और ये 13 अगस्त 2017 को शुरू की गई थी। आगे हम बात कर रहे हैं इसकी कोचेज़ की, तो इसमें सिर्फ थर्ड एसी के कोचेज होते हैं और थर्ड एसी के कोचेज का किराया सहरसा से बांद्रा तक का है 1870 रुपये। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे टाइम टेबल की, तो सहरसा से इसके चलने का समय हर ट्यूसडे को 4:45 पर ये दोपहर को चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। उसके बाद ये खगड़िया जंक्शन में पहुंचती है 6:30 बजे शाम को और 6:32 पर वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसके यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये बेगूसराय में पहुँचती है, बेगूसराय में ये 7:05 पर पहुँचती है और 7:07 पर वहाँ से ट्रेन 2 मिनट बाद चल पड़ती है। उसके बाद ये पटना जंक्शन में पहुँचती है, बिहार की राजधानी में पटना जंक्शन में ये 11 बजे रात को पहुँचती है और 10 मिनट बाद 11:10 पर वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में इसके पहुँचने का समय है 2:54 पर और 10 मिनट बाद 3:04 पर रात को ये ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। उसके बाद ये इलाहाबाद छिपकी में पहुँचती है 5:08 पर सुबह और 2 मिनट बाद 5:10 पर वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश में एंटर करती है, सतना जंक्शन पर ये 7:50 पर पहुँचती है और 8 बजे वहाँ से 10 मिनट बाद ये ट्रेन सुबह चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद एक कटनी में पहुँचती है, कटनी जंक्शन पे ये 9:10 पर पहुँचती है सुबह और 5 मिनट बाद 9:15 वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। उसके बाद ये जबलपुर जंक्शन में पहुँचती है, जबलपुर जंक्शन पे ये 10:50 पर पहुँचती है और 11 बजे वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये इटारसी जंक्शन में पहुँचती है जो कि मध्य प्रदेश का इस ट्रेन का लास्ट स्टेशन है, 2:40 पर और 2:50 पर वहाँ से ट्रेन दोपहर को चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये महाराष्ट्र में भुसावल जंक्शन में पहुँचती है, भुसावल जंक्शन पे ये 7:25 पर पहुँचती है शाम को और 5 मिनट बाद 7:30 वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। उसके बाद ये नंदुरबार में पहुँचती है 11:23 पर और 11:33 पर वहाँ से ट्रेन 10 मिनट बाद चल पड़ती है। उसके बाद ये उधना जंक्शन में पहुँचती है 2:40 पर रात को और 3:20 पर 40 मिनट बाद वहाँ से ट्रेन रात को चल पड़ती है। उसके बाद ये वलसाड़ में पहुँचती है 4:05 पर और 4:10 पर वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन वापी में पहुंचती है 4:29 पर रात को और 4:36 पर वहां से ट्रेन 7 मिनट बाद चल पड़ती है। उसके बाद अपने फाइनली डेस्टिनेशन स्टेशन बांद्रा टर्मिनल पहुंच जाती है। बांद्रा टर्मिनल में ये सुबह 7:35 पर पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी जर्नी समाप्त कर देती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। और दोस्तों, कमेंट कीजिए मुझे अपनी फेवरेट ट्रेन वीडियो को ले, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश